भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची, झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो कि झारखंड के रांची के और मांझी में स्थित है, जो कि NH 33 रांची रामगढ़ रोड के सामने ही है। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 1994 में हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। लगभग 104 हेक्टेयर यानी 257 एकड़ में फैला हुआ है। टोटल इसमें 27 प्रकार के जानवर हैं और 17 प्रकार के पक्षियां इसमें रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क पहुंच चुके हैं, जो कि झारखंड के रांची के और मांझी में ये पार्क स्थित है, जो कि काफी बड़ा पार्क है। दोस्तों, इस पार्क का मैं संपूर्ण दर्शन आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, इस पार्क में टिकट काउंटर खुला रहता है, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। और तो दोस्तों, चलिए हम सब मिलके इस पार्क का संपूर्ण दर्शन करते हैं, काफी मजा आएगा दोस्तों, एक एक चीज के एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। जैसे ही आप मेन गेट से इंटर करेंगे, आपको राइट साइड में कार पार्किंग अवेलेबल है और लेफ्ट साइड में भी कार पार्किंग अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप अपना कार यहाँ पार्क कर सकते हैं, अपना बाइक पार्क कर सकते हैं। टिकट प्राइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें बड़ों के लिए 40 रुपीज और बच्चों के लिए 20 रुपीज पर हेड है। ही आप इस पार्क के अंदर इंटर करेंगे, आपको पार्क में टॉयलेट्स अवेलेबल होंगे। आपको इस पार्क का संपूर्ण दर्शन करने के लिए आप अंदर से भारी गाड़ी भी ले सकते हैं, जिसका अलग अलग प्रकार से रेट है। टेन सीटर, सिक्स सीटर, थ्री सीटर, बहुत प्रकार के अलग अलग सफारी आपको मिलेगी अंदर, और आपको वो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का संपूर्ण दर्शन करा देगा। तो चलिए, इस भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का हम लोग मिलकर संपूर्ण दर्शन करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन टाइगर आपको दिखेगा। पूरे झारखंड में आपको इसी पार्क में ही ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। इस संपूर्ण पार्क का दर्शन के लिए आपको साइकिल की भी व्यवस्था यहाँ रहती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर शेर, जो कि काफी बड़ा था, देख सकते हैं, बहुत ही विशाल शेर। हर दिन यहाँ बहुत अधिक संख्या में विजिटर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का एलिफेंट्स जोन, अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सफारी में सफर कर रहे हैं और एलिफेंट जोन अभी जाने वाले हैं। यहाँ घड़ियाल देख सकते हैं आप। यहाँ आप साहिल देख सकते हैं, जो कि बहुत अधिक ज्यादा संख्या में थे यहाँ पर। इनके पूंछ में जो कांटा है, उससे लिखा भी जाता था, कहा जाता है कि पहले के लोग इसमें लिखा भी करते थे। नीलगाय, कुछ विजिटर इस नील गाय को कुछ खाने का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी एलिफेंट जोन में। यहाँ आप देख सकते हैं दो एलिफेंट्स हैं। इन एलिफेंट्स की खास बात यह है कि इनको रिक्वेस्ट करने पर ये आपका अभिवादन करते हैं
और शंख भी बजाते हैं। तो हमने भी रिक्वेस्ट किया और इनसे शंख बजवाया और अभिवादन स्वीकार किया इन्होंने, जो कि काफी अच्छा लगा। एक बार गजराज महाराज की जय। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने भी इनसे एक रिक्वेस्ट किया और अभिवादन स्वीकार किया मैंने उनका, और उन्होंने भी मुझे अभिवादन स्वीकार दिया। जय हो। देख लीजिए दोस्तों, वाह काफी मजा आया। अभी हम चलते हैं डियर जोन में। देख सकते हैं यहाँ बहुत अधिक संख्या में बहुत सारे हिरन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ छोटे छोटे हिरन भी थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमने बहुत सही समय में पहुंचा, उस समय सारे हिरन को खाना खिलाया जा रहा था। तो अभी हम जा रहे स्नैक हाउस की ओर, और स्नैक हाउस के सामने ही आप देखने को मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी में जो कृष्ण भगवान को नदी पार कराया जा रहा था, वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। स्नैक हाउस यहाँ टिकट काउंटर में आपको प्रति व्यक्ति 10 रुपया देना होगा और टिकट लेके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हम टिकट देके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग स्नैक हाउस में घुस चुके हैं। अभी स्नैक हाउस में, तो स्नैक हाउस में भी मैं आपको सारे स्नैक्स का रिव्यू दिखाऊंगा। इंडियन रॉक पाइथन देख लीजिए सामने ही, धामन, इसको इंग्लिश में रेड स्नैक भी कहा जाता है, ये नॉन वेनमस होता है। बेंडेड कैरेट, भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन मोनोकोल कोबरा, रसल स्वाइपर, कॉमन कैरेट जो कि बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हिप्पो जोन में। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 2 हिप्पो नहीं है, यहाँ टोटल 5 हिप्पो हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। देख लीजिए कितना विशाल हिप्पो। पानी से बाहर निकलते हुए एक हिप्पो देख लीजिए। दरियाई घोड़ा, तो गाइस देख लीजिए हमारा सफारी का सफर का भी एक वीडियो मैंने बनाया है। और अभी हम एग्जिट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। यहाँ आपको एग्जिट पॉइंट की राइट साइड में आपको बर्ड जोन देखने को मिलेगा, जहाँ की आपको बहुत सारे पक्षी की प्रजाति देखने को मिलेगी। हमने इसका भी संपूर्ण भ्रमण किया। बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पक्षियों को रखा गया है दोस्तों।
तो दोस्तों फाइनली हमने भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का संपूर्ण दर्शन कर लिया। आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय।